नमस्कार, न्यूज 18 के खास कार्यक्रम कहता है वोटर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषि कुमार नायडू बैतूल संसदीय क्षेत्र से आज आपको रूबरू कराऊंगा बैतूल जिले के वो राजनीति से जुड़े लोग, आम मतदाता, वरिष्ठ पत्रकार जो बैतूल की राजनीति पर पैनी निगाह रखते हैं और इस चुनाव में अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक रहे हैं यहाँ के राजनीतिक दल। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ प्रमुख मुद्दों की। हम यहाँ पर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्हीं से सवाल करते हैं। इरशाद जी, ये बताइए कि बैतूल संसदीय क्षेत्र में प्रमुख मुद्दे इस समय क्या हैं? देखिए, अगर हम इसको दो तरह से तोलते हैं कि अगर हम पहली बात करें कि प्रत्याशियों के तौर पर अगर ये मुद्दे क्या हैं, तो अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस समय इस पूरी तरह से इसको लोकलाइज़ किया हुआ है, पूरी तरह से जिस तरह से आपने बताया कि 28 साल से भाजपा के यहाँ पर सांसद रहे हैं, तो कांग्रेस का पूरा फोकस ये है कि 28 साल से अगर भाजपा का यहाँ सांसद है तो उन्होंने इस संसदीय क्षेत्र के लिए क्या किया है। तो हम कहेंगे कि उन्होंने लोकल मुद्दों को, स्थानीय मुद्दों को, चाहे वो उद्योग की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, उसको उन्होंने हावी किया है। दूसरी बात, अगर हम बात करें भाजपा की तरफ से अगर हम बात करें तो वो राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रही है, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। तो हम यही कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे बनाम जो स्थानीय समस्याएं हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उस पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। राष्ट्रीय मुद्दे बनाम स्थानीय समस्याएं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिंह ठाकुर जी भी हैं। जैसा कि इरशाद जी ने बताया, राष्ट्रीय मुद्दे बनाम स्थानीय समस्याएं, आपको क्या लगता है क्या है प्रमुख मुद्दा? नहीं, एक तो लोगों को मेन रोजगार को लेकर लोगों में थोड़ा सा आक्रोश है, खासतौर से इंजीनियर कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियर कॉलेज एक भी नहीं। इस बार लोगों में, खासतौर से यूथ लोगों में, ये देखा जा रहा है कि एम्प्लॉयज़ को लेकर जो है वो केंद्र सरकार के प्रति नाराज़गी है और कांग्रेस भी इस चीज़ को बना रही है एम्प्लॉयज़ के मुद्दे को लेकर। और राष्ट्रीय मुद्दे तो बीजेपी लड़ ही रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हमारे साथ क्योंकि बैतूल संसदीय क्षेत्र एक आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट है और यहाँ बहुत सारे जो है आदिवासी वर्ग के जो हैं साथी यहाँ पर आए हुए हैं बात करने के लिए, ये मतदाता हैं, इनसे बात करते हैं क्या प्रमुख मुद्दे हैं। अभी जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, आपको क्या लगता है कौन से प्रमुख मुद्दे हैं, क्या समस्याएँ जिनको लेकर के आप मतदान करने वाले हैं? चुनाव तो है, मुद्दा यही है हमारा, जो हम रहते हैं जहाँ खापा में रहते हैं वहाँ डूबने जा रहा है, उसके कारण से हमको उसमें बोले उन्नर के भाई 18 साल वाले को 5 लाख रुपए देने का मुआवजे के बाद और मुखिया को 5 लाख बोले, तो वो दे नहीं पाया ठेकेदार ने। अच्छा, कब से आप लोग भटक रहे हैं? ये 2 साल से भटक रहे हैं। चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे आपको लगते हैं, आप वोट करेंगे ना? आप कमांड देंगे? करेंगे सर, करेंगे, वोट तो करेंगे। किन मुद्दों पर वोट करेंगे? अभी हमारे समस्या हाल हो जाएंगे तो करेंगे। क्या क्या समस्या है? समस्या वही है ना, जो बोला वो नहीं दे रहे सर। अच्छा, हाँ। आपके सांसद जी कभी मिले आपसे आके? नहीं मिले ना सर, सांसद जी तो बस वोट ले लेते, बस मिले ही नहीं डबल। 5 साल में कभी आए? नहीं आए ना सर। कौन है आपके सांसद, जरा नाम बताइए उनका। डीडी उइके नाम, कभी मिले आप उनसे? नहीं मिले ना। नहीं, आपके गांव में आए कभी? नहीं आए सर, वोट के समय में आते हैं फिर नहीं आते सर। देखिए, समस्याएं बहुत सारी बताई ग्रामीणों ने, अब हम सीधे भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करते हैं। यहाँ मतदाता हैं, उन्होंने बताया कि सांसद जी मिले ही नहीं उनसे, कभी आए नहीं उनके गाँव। इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय मुद्दे बनाम स्थानीय समस्याएं, आपको क्या लगता है? पहले तो एक सिस्टम है कि दुर्गादास जी जब से सांसद चुने गए 2019 में, तब से अभी तक एक रिपोर्ट कार्ड देखे अपन, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में मतदाता मत देता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि 6 हमारे विधायक जीते हैं और नगर निकाय देखा जाए तो 13 में से 11 हमारी है, जिला पंचायत जो है 23 में 17 हमारे हैं, सरपंच हमारे 415 है, पार्षद हमारे 135 है, जनपद सदस्य 145 है। लेकिन अभी सर जी, उसके बाद भी वो कह रहे हैं मुआवजा नहीं मिला, 2 साल से भटक रहे हैं। ये उनको क्यों नहीं मिला, ये उनकी किस तरह से वो पहुंच नहीं पाए, जहां तक मेरा नॉलेज है कि 14 लाख आयुष्मान कार्ड हैं, 2.5 लाख आवास योजना से लाभान्वित है, जल नल योजना 7.5 लाख तक की हो चुकी है, श्रम निधि और ई कार्ड सभी नीचे तक। जितने ये बताइए, आप तो मीडिया संभालते हैं पूरा, यहाँ का चुनाव स्थानीय मुद्दों पे है या मोदी जी?
ये देखिए, ये संसद देश के विकास का चुनाव है, जनपद का चुनाव नहीं है। जो जनपद का मैंने आपको बता दिया, ये देश तो देश की जो भी गतिविधियाँ आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से ग्रामीणों को शहर से कैसे जोड़ा है। 1600 किलोमीटर की रोड बनी है, ये कैसे बनी, ये सांसद जी ने द्वारा ही तो बनाई गई है, ताकि गांव का पिछला तबका व्यक्ति भी यहां आकर अपना रोजगार और अपना सामान बेच सके। चलिए अभी मैं आपके पास फिर आऊँगा, अभी हम कांग्रेस की तरफ जाते हैं। समीर खान जी, ये बताइए कि कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, क्या स्थानीय मुद्दे हैं, और आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ, और कांग्रेस के पास सबसे बड़ा तुरूप का पत्ता क्या है इस चुनाव में? ध्रुव का पत्ता नहीं, अभी आपको पत्रकार लोगों ने, आपने आम पब्लिक में और भाजपा के बड़े नेताओं से पूछे, जिन्होंने आपको बताया कि इनके पास क्या क्या है। 30 साल से इनके पास सांसद है, 20 साल से सरकार है, और इनके पास पूरी नगर पालिकाएँ हैं, पूरे इनके पार्षद हैं, इनके 6-6 विधायक हैं। बैतूल के लिए क्या किए, बात ये है, तुम्हारे पास क्या है ये तो सबको मालूम। क्या क्या नहीं हुआ यहाँ पर? अगर बैतूल का एक वोटर जब वोट देता है तो उसको क्या मिलता है? वहीं दूसरे ज़िले के छिंदवाड़ा का आदमी अगर वोट देता है तो उसको मेडिकल कॉलेज मिलता है, छिंदवाड़ा का आदमी अगर वोट देता है तो उसको पाथलकोट एक्सप्रेस मिलती है, छिंदवाड़ा का वोट मिलता है तो देश के सबसे ज़्यादा सेंट्रल स्कूल छिंदवाड़ा में खुलते हैं, छिंदवाड़ा का वोटर अगर वोट देता है तो उसको पूरी तरफ ऑनलाइन मिलती है, वहाँ पर हर ज़िले में फैक्ट्री और रोज़गार मिलता है। एक वोट छिंदवाड़ा का और एक वोट बैतूल का, वो भी 30 साल से हैं, ये भी 30 साल से हैं। बैतूल में आप भी बैतूल के नागरिक हो, क्या बैतूल में हुआ, हम एक आध उपलब्धि तो बता दें। हमारे साथ कांग्रेस की महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष हैं पुष्पा जी, ये बताइए क्या प्रमुख मुद्दे को लेकर के कांग्रेस लड़ रही है, और पिछले बार 360,000 मतों से रामू टेकाम हार गए थे, क्या इतना बड़ा जो लॉस हुआ इसको कवर अप किया जा सकेगा? बिल्कुल किया जाएगा। कांग्रेस के मुद्दे हैं बेरोजगारी और ये बेरोजगारी और महंगाई, और ये जो हमारे किसान लोग भटक रहे हैं कि इनको आज तक मुआवजा नहीं मिला इस चीज़ का, और जो हमारे युवा वर्ग जो अभी फिलहाल जो इंजीनियर डॉक्टर्स इतने बड़े बड़े पढ़ के हैं और अपने ज़िले में रोज़गार नहीं है, आज हमारे ज़िले में एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें लोगों को रोज़गार मिले, हमारा युवा पलायन हो रहा है, तो ये हमारे स्थानीय मुद्दे हैं। जिस तरह की अभी आपने सारी बातें सुनी, आपको क्या लगता है 28 साल में यहाँ पर जो आरोप लग रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, क्या ये बड़ा एक फैक्टर रहेगा चुनाव में? देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में जब आदरणीय समीर भैया भोपाल जाते थे तो 12 से 15 घंटे लगते थे, आज यदि बैतूल से भोपाल जाना हो तो समीर भैया 4-5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे में पहुँच जाएंगे। समीर भैया जब पढ़ाई करते थे तो मोमबत्ती के उजाले में इनको पढ़ाई करना पड़ती थी, समीर भैया के समय में उस समय गरीबों को इतना परेशान होना पड़ता था, आज गरीबों के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास है, इनके समय में उज्ज्वला योजना नहीं होती थी, चूल्हे के धुएं में महिलाओं को खाना बनाना पड़ता था, मुझे मालूम है इनको तब भी परेशानी होती थी, लेकिन ये बोल नहीं पाते थे क्योंकि कांग्रेस में केवल और केवल अपने नेतृत्व को चमचागिरी करने की आदत है। जिस तरह से सांसद जी पर आरोप लग रहे हैं कि उनका जनसंपर्क नहीं हुआ लोगों से, लोग कह रहे हैं उन्होंने देखा भी नहीं। देखिए, सांसद जी का नाम दुर्गादास उइके है, वो तो वाकई दास के जैसे काम कर रहे हैं। आज हरदा से हरसूद से लेकर बैतूल के आखिरी कोने तक अगर चले जाएंगे तो दुर्गादास उइके जी के मामले में कोई व्यक्ति नहीं कहेगा कि हमने कभी दुर्गादास जी को फोन लगाया और उन्होंने फोन नहीं उठाया। लेकिन सांसद को संसद के सत्र में भी रहना पड़ता है, ऐसे बहुत सारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, आर्थिक नीतियों में सांसद का योगदान होता है, विदेश नीतियों में होता है, और आने वाला लोकसभा चुनाव भी, मैं बता दूं बैतूल की 5 सीटों पर विधानसभा चुनाव लोकल मुद्दों पर हुआ और 5-0 से यहाँ की जनता ने बता दिया कि कांग्रेस की यहाँ क्या हैसियत है। रोजगार की क्या स्थिति है, क्या समस्या है सर? हमारा स्थिति है मेढा जला, हमारा डेढ़ डूब है। अच्छा, ठीक नहीं मिलता। हाँ, मौजा का बात मैं बताऊँ हमको, मतलब ईडीओ साहब ने पहले जो घोषणा किया है 10 लाख हेक्टेयर का घोषणा किया है, 5 लाख मतलब मुखिया का। अच्छा, ये बताइए आपके क्षेत्र में जो युवा हैं, बच्चे हैं, रोजगार की क्या स्थिति, सड़क नाली बिजली की क्या स्थिति? नहीं, वो तो अभी उसके बारे में तो हमारा नहीं है मतलब चर्चा, हम तो अभी डूब में जा रहा, हमको अभी सामने का सोच। सड़क है कि नहीं गांव में? ये नहीं, सड़क तो है सर। सड़क है? हाँ, बिजली है? बिजली भी है सर, केवल मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा मिला, ठीक है। सड़क नहीं है, सड़क भी है, बिजली भी है, केवल मुआवजा नहीं मिला है। आपको लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में 28 साल में बैतूल संसदीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक पहुँचा? नहीं, हम पड़ोसी जिला चाहे होशंगाबाद देख ले, चाहे छिंदवाड़ा देख ले, वहाँ जिस गति से डेवलपमेंट हुआ है उस गति से हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ। हम पता था मेरे ख्याल से 1996 से स्थानीय
कैंडिडेट दे रहे बीजेपी का, 28 साल से बीजेपी के सांसद, केंद्र में पता लगा कि मोदी सरकार है, उसे आपसे जो डेवलपमेंट होना चाहिए पड़ोसी जिलों को देख के हम कंपेयर करें। क्यों पीछे रहता है बैतूल जिला? नहीं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं या तो सुनवाई नहीं हो रही या हम ताकत से जो अपनी बात नहीं रख पाते। ये बातें वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट जैसा होना वैसा नहीं हुआ। बड़ी विडंबना की बात है, विकास खुद का नहीं कर पा रहे कांग्रेस, डेवलपमेंट की स्पेलिंग भूल गया। ये मैं बता रहा हूँ, डेवलपमेंट की स्पेलिंग भूल गए, है ना। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 85% से ज़्यादा मतदान होने वाला है बैतूल ज़िले में और 5 लाख से प्रदेश में बहुत बड़ी जीत के साथ जीतेंगे। अब इनको सोचना चाहिए कि इनका क्या होगा। 5 लाख से ऊपर की जीत का दावा है समीर खान जी। 28 साल से बैतूल की जनता यही कर रही है, 20 साल से इन्हीं की सरकार है, हर चीज़ इन्हीं की, हम तो स्वीकार कर रहे हैं ना। आप क्या कर रहे हो ये बात है, अभी हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि इनकी 20 साल से सरकार है, 28 साल से इनका सांसद है, जनता स्वीकार कर रही। मेरा भाई होशंगाबाद से आया है, उसने कहा कि जब बैतूल से भोपाल जाओ तो आपको 4-5 घंटे में चकाचक होती है। आप लोग भी भोपाल जाते हैं, भोपाल ये दुर्भाग्य जिले का, देश का, पूरी जगह का, कि कोई फोन लाइन अगर 5 बार टेंडर हुए और 10 साल में नहीं बनी है तो वो भोपाल है। और इनको इनको सबको आशीर्वाद देना चाहिए, देश की जनता को, पूरे बैतूल जिले की जनता को, कि जब हम नागपुर इलाज के लिए जाते थे 5-5 घंटे लगते थे, जब हमारे लोह पुरुष सांसद थे और बीजेपी की सरकार थी अटल बिहारी की थी, तब भी नहीं। आज आप इलाज के लिए नागपुर जाते हो 1.5 घंटे में, पूरे बैतूल जिले की जनता कमलनाथ जी को और कांग्रेस को दुआ देती है कि हमारे इलाज में होता है। दूसरी बात, हमको बहुत अच्छा लगता है ये बोल रहे कि हमारा सब कुछ है, हम बोल रहे 20 साल से सरकार है। इनका आदिवासी विधायक है 4 बार का, इनका SC विधायक है 2 बार का, लोह पुरुष है हमारे बैतूल ज़िले के, इनके सबसे बड़ा नेता हेमंत खंडेलवाल जी 2 बार, 1 बार सांसद, 2 बार विधायक रहे। जब वो अमित शाह जी के साथ दिखते हैं, जब मोदी जी के साथ दिखते हैं, तो इनको अच्छा लगता है कि नहीं? बस मैं इतना पूछना चाहता हूँ, फिर मेरे पास आना। आपको अच्छा लगता है कि नहीं? सवाल किया उन्होंने, आपको अच्छा लगता है कि नहीं? नहीं, ये देखिए, ये इनकी यही है, झूठ बोलो दमदारी से बोलो खुद का। और ये विजन की बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, सड़क का मुद्दा भूल गए। अरे देखो, जैसे कि राज्य में गर्व होता है कि नहीं वो, ये क्यों, अरे क्यों, ये देखिए इनको खुद को सोचना चाहिए कि इनका डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा। और जो बच्चा पास हो रहा है उसकी, ये बड़ी बात है, कांग्रेसी होकर समीर खान जी बोल रहे हैं कि जब भाजपा के विधायक अमित शाह जी के साथ दिखते तो इनको गर्व होता है, ये उनका सवाल है। आपको गर्व नहीं तो सभी को गर्व क्यों नहीं हो, क्या है? नहीं क्यों क्यों, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा, आपने सवाल पूछा क्यों गर्व होता है, जब इनको गर्व होता है, पूरी बैतूल की जनता को गर्व होता है, तो जब हम लोग जो वोटर दिए उनको कब गर्व होगा? हमारे बैतूल को प्रतिनिधि तो कब मिलेगा? क्या आपके आदिवासी विधायक इस लायक नहीं है? SC विधायक 2 बार का नहीं है, 20 साल से आपकी सरकार है, हेमंत खंडेलवाल नहीं है, तो क्या वो पूरे प्रदेश में फाइनेंस करने के लिए है, बैतूल को संवारने के लिए नहीं है क्या? ये भी हमारा लोगों का ये है, बैतूल को संवारने की बात हुई है, आपसे पूछना चाहूंगा, बैतूल को संवारने की बात हुई है? जैसा इन्होंने वैसे बात कही कि जहां आप खड़े हो ये ऑडिटोरियम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना, ये आप देख लो, ये जो स्कूल बना, केंद्र विद्यालय, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना। और सुनिए एक बात मैं आपको बता दूं, आपने जो हॉस्पिटल की बात की, आवास, आयुष्मान कार्ड, एक सेकंड, आयुष्मान कार्ड की देख लो, आयुष्मान कार्ड से प्रत्येक व्यक्ति का इलाज हो रहा है, जो गरीब परिवार, जो जिसकी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती थी, 5 लाख तक का इलाज फ्री मिल रहा है। ये जो हॉस्पिटल भारतीय जनता पार्टी में 300 बेड का सैंक्शन हुआ था, उसका भारतीय जनता पार्टी, ये जो हॉस्पिटल 300 बेड का हेमंत खंडेलवाल जी के, उसमें सैंक्शन, हॉस्पिटल और हॉस्पिटल की बात की, जनता बताइए, इलाज की सुविधा मिल रही है आपको? नहीं, आयुष्मान कार्ड तो बना, कार्ड बना है लेकिन इलाज नहीं हो रहा, कार्ड तो बना है और दिखाने के लिए बना है लेकिन इलाज कुछ नहीं हो रहा। इलाज आयुष्मान के नाम पे डॉक्टर भगा देते हैं मरीज को, आयुष्मान का पेमेंट 4-4 महीने नहीं आता, मतदाता से इलाज मिल रहा है आपको? अरे कहाँ मिल रहा है सर, जब जाते ना हम लोग तो फिर वो कर्मचारी बोलते, अच्छा, आपके इलाके में डॉक्टर तो डॉक्टर है लेकिन वो सरकारी नहीं है सर। अच्छा, इलाज मिलता है? इलाज नहीं मिलता ना। चलिए, मैं बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई, अब एक अंतिम और फाइनल सवाल हम यहाँ पर सभी से उसका जवाब चाहेंगे कि अब जो 7 मई के दिन मतदान होने जा रहा है, उसके लिए
किन किस लाइन पर ये राजनेता चुनाव लड़ेंगे, इनकी फाइनल लाइन क्या होगी, और जो मतदाता है हमारे वो किस मुद्दे को लेकर अपना वोट देने जा रहे हैं? सबसे पहले हम मतदाता से ही पूछ रहे हैं, एक लाइन में बताइए हमको कि किस मुद्दे पर बैतूल के किसी भी प्रतिनिधि को वोट देना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ रोजगार के मुद्दे पे देना चाहिए। कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर के चल रही है, एक लाइन में बताइए? महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, क्या कहते हैं? शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, महंगाई। मेरा यही कहना है कि बैतूल के मतदाताओं की इज्जत करो भाजपा वाले, और हमको नेतृत्व दो, जैसे जब कांग्रेस देती थी, चार चार मंत्री जिले को दिए हैं, केंद्र में दिए हैं, राज्य में दिए हैं। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे वोटों का इज्जत करो, वोटर का और वोटरों का सम्मान, कांग्रेस का ये भी मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी की क्या लाइन है, फाइनल लाइन बताइए? मेरा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और आपका क्या कहना भाई साहब? इन्होंने इतना भ्रष्टाचार, पिछले बार रिकॉर्ड मतदान करने वाले बैतूल के मतदाता इस बार किस तरह मतदान करने के लिए आगे आते हैं? 7 मई को यहां मतदान होना है। न्यूज़ 18 की टीम लगातार ये मतदाताओं से अपील करती है कि अगर आपके मन में कोई शिकायत है, अगर आपको आपके क्षेत्र का विकास करना है, तो अपने घरों से बाहर निकले मतदान के दिन, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, जिससे मतदान प्रतिशत सुधरे और एक योग्य जनप्रतिनिधि आपकी सेवा में हाजिर रहे जो आपके संसदीय क्षेत्र का आगामी सांसद रहेगा। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।